यूपी में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। ग्रेटर नोएडा में हुए हत्याकांड ने भी सभी को हिलाकर रख दिया। खेत में दारू पार्टी चल रही थी और जरा सी बात पर हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंडली गाँव में कल देर रात 40 साल के व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हैरानी की बात देखिए कि हमलावर मृतक के परिचित थे। पहले खेत में बैठाकर पार्टी की गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 11 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब टीमें गठित कर दी हैं और हथियारों की तलाश में दबिश दी जा रही है। दरअसल खेतों पर बनी हुई झोपड़ी में शराब की बोतलें और खाने की प्लेट पड़ी हुई थी। वहीं पर कुंडली गाँव का रहने वाला 40 वर्षीय विक्रम का शव भी था, जिस पर हत्यारों ने चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या की थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले रखा है। हालांकि शुरुआती जांच में हत्या करने वाले युवक की पत्नी से मृतक युवक के अवैध संबंध होने की बात सामने आई है। रविंदर चौहान निवासी कोंडली द्वारा अपने ग्राम के ही व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर थाना नॉलेज पार्क पर दी गई है कि इन लोगों के द्वारा उनके भाई की हत्या कर दी गई है। इसमें शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके का मुआयना करके इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एडिशनल DCP ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि मृतक के भाई रविंद्र ने गांव के ही 11 लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या को लेकर आरोप लगाया। शिकायत के मुताबिक कुंडली गांव का रहने वाला 40 वर्षीय विक्रम शुक्रवार शाम अपने खेत पर गया था। इसी दौरान गांव के कुछ उसके जानकार भी वहां पहुंच गए, जहां पर सभी ने पहले साथ बैठकर शराब पार्टी की। इस दौरान किसी बात को लेकर कहा सुनी होने पर विक्रम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने विक्रम के शरीर पर चाकू से कई वार किए और हत्या के बाद वहां से फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं ये हत्याकांड बड़े सवाल उठा रहा है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।